दोस्तों, संदीप जी आए हैं चैनल में, आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए कुछ ऐसा गैजेट लाया हूं जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए काफी अच्छा है और बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली इसलिए बोल रहा हूं कि ये मात्र 6,990 रुपए में आपको मीरा कास्ट फंक्शन इस प्रोजेक्टर में मिलता है। तो बिना किसी देर किए लेट्स स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, तो मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूं। ये एक बॉक्स है, ये एक यूजर मैनुअल है जिसको पढ़कर आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्टाइलिश रिमोट कंट्रोल है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसमें बैटरीज नहीं होगी। जी हाँ, बैटरी आपको खुद को डालनी पड़ेगी, 2AA बैटरी यूज़ होगी। और क्या आता है, एक HDMI केबल है, एक ऑडियो वीडियो केबल है, हैवी केबल, और एक ये पावर कोर्ड। पावर कोर्ड काफ़ी अच्छी है। अब हम मेन यूनिट पर जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर। इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है दोस्तों, दिखने में काफ़ी अच्छा है, बहुत स्मार्ट दिखने में। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो ये आगे लेंस कवर है, ये लेंस है, और इसके ऊपर दोस्तों दो नोब आपको दी हुई है जो आप देखेंगे। फर्स्ट वन जो है फोकस के लिए है, आप इससे फोकस कर सकते हैं आपकी स्क्रीन को। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये टिल्ट एडजस्टमेंट के लिए ये नोब यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखेंगे तो पावर इनपुट के लिए आपको कनेक्टर दे रखा है। फिर दूसरी तरफ आते हैं तो ये दो USB पोर्ट दे रखे हैं, एक HDMI पोर्ट है, एक AV पोर्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये, यहाँ आप कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑडियो का आप लगाना चाहें 4.1, 5.1, 2.1 तो लगा सकते हैं। साउंड बार भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास पुराने PC हैं जिनमें HDMI पोर्ट नहीं होते थे तो उसके लिए यहाँ पर VGA पोर्ट भी दे रखा है। इससे आप कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या PC जो है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो है स्पीकर, यहाँ से स्पीकर की आवाज़ यहाँ से आएगी, आउटपुट यहाँ आएगा, जो हम आपको जब इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे तब आपको इसकी आवाज़ में सुनाऊंगा। इधर दो वेंटिलेशन दे रखे हैं जहाँ से फैन है तो फैन से वेंट होते हैं। यहाँ IR इंफ्रारेड सेंसर है जो आप रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हो। फिर आप दोस्तों फ्रंट में इसके टॉप पे आए तो ये कुछ स्विचेस हैं जिनसे आप बैक कर सकते हैं, पावर ऑन कर सकते हैं और टॉगल कर सकते हैं। ये सोर्स है, इस तरह ये एक प्रोडक्ट है। इसके अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको EG-i9M मॉडल जो है उसकी ब्रांडिंग है। और अब इसके यहाँ पर एक ये नोब है जिससे आप फोकस आपकी स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा
कि किस प्रकार ये परफॉर्म करता है। चलिए हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने आपको बोला था मैं इसका रिव्यू बताऊंगा, तो अभी आप इस देख सकते हैं फुल लाइट है, एक मैंने उधर लगा रखी है 20 वाट एलईडी ट्यूबलाइट है और ये 10 वाट सीएफएल लगा रखी है। उस पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी लाइट में आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ अगर मैं ये लाइट ऑफ करूंगा तो काफी अच्छी इसका प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस बजट में इतनी अच्छी ब्राइटनेस आपको दूसरे प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। लाइट को स्विच ऑफ करता हूँ, फिर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले मैं जो एलईडी ट्यूब है उसको ऑफ कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है। इसके बाद मैं जो दूसरा जो सीएफएल है उसको भी ऑफ कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या पिक्चर क्वालिटी।